ये देखिए दोस्तों, मैंने जो कढ़ाई में फल्ली डाल दी है और उसे अच्छे से भून रही हूँ। मैंने तो काफ़ी टाइम से भून रही हूँ उसको, आपको अभी दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरी ऑलमोस्ट भून के रेडी हो गई है। उसे काफ़ी धीमी आँच पे काफ़ी देर तक सेकना पड़ता है, जिससे कि जब हम उसे खा के देखना चाहिए, खा के देखने से मालूम पड़ जाता है कि वो पक चुकी है पूरे तरीके से। उसके बाद हम चिक्कियाँ बनाएंगे जो दिवाली के टाइम पर हम लोग बनाते हैं। अब इसे हम सेक के अच्छे से और इसके जो छिलके होते हैं वो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। वो आपको हम दिखाते हैं हम कैसे निकाल रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने जो अपनी फली सेक ली थी वो मैंने इस कपड़े पे डाल दी है और ये गर्म ही होना चाहिए क्योंकि हमें अभी जो ये मूंगफली है इसके छिलके निकालने हैं और इन्हें हाफ ऑफ करना है। तो आइए हम इसे शॉर्टकट तरीका दिखाएंगे आपको, किस तरीके से ये हाफ भी कर लेते हैं और इसके छिलके भी निकल जाते हैं। तो ये कपड़े में मैंने डाला हुआ है, इसे मैं इस तरीके से पैक कर लेती हूँ इस तरीके से, और अच्छे से इसे पैक कर लेना चाहिए इस तरीके से। और अब मैं जो है इसे बेलन की सहायता से इस तरीके से चपातियों की तरह बेल लेती हूँ इस तरीके से, तो इसके जो छिलके होते हैं वो ज़रा आसानी से निकल जाते हैं और काफ़ी तो कुछ हाफ भी हो जाते हैं इसी में। तो दोनों काम हमारा एक ही टाइम में एट अ टाइम हो जाता है। तरीके से करते जाना है। अभी देखिए, अभी एक दो बार हमें और करना है। मैं एक बार आपको और खोल के दिखा रही हूं कि देखिए इसके छिलके कितने आसानी से निकल रहे हैं। ये देखिए इसके जो छिलके हैं कितने आसानी से निकल रहे हैं, देख रहे हैं आप। ये देखिए अभी हाफ होना बाकी है, तो अभी हम फिर से इसको हाफ भी करेंगे। ये देखिए इसके ऑलमोस्ट जो छिलके हैं वो निकल गए हैं। अब मैं इसे एक थाली में लेके और इसको छांट लेती हूँ और इसके कचरे अलग कर लेती हूँ। ये देखिए इसके छिलके, अब इस तरीके से हम इसे झाड़ लेते हैं। ठीक, इस तरीके से हमारी जो मूंगफली का जो कचरा है वो निकल गया है। मैं और भी पूरा साफ कर लेती हूँ फिर आपके पास आती हूँ। काफी हद तक जो हमारा कचरा है वो निकल गया है, थोड़ा बहुत हमें निकालना पड़ेगा, वो फटाफट निकल जाता है इस तरीके से। और उसके बाद हम इसे एक बार और हाफ ऑफ कर लेंगे क्योंकि उससे कचरा निकाल देने से हाफ ऑफ का जो हिसाब किताब है वो हमें जल्दी मालूम पड़ने लगता है। ये देखिए अभी और हम हाफ ऑफ करेंगे, उसके बाद जो ये थोड़े बहुत कचरे हैं वो भी निकल जाएंगे। इसे उसी तरीके से हम जरा रोल कर लेते हैं। इससे आप एक छोर को अपने पेट के थ्रू, अपना जो पेट रहता है उसके थ्रू ऐसे करके और ऐसे दबा के भी कर सकते हैं, तो ये हिलेगा नहीं तो भी बहुत इजीली हमारा काम हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा आप इसे रगड़ रगड़ के मत कीजिएगा, नहीं तो वो इसमें भी चूरा हो जाएगा। तो हमें हल्के हल्के हाथों से ही देखते जाना है बीच बीच में कि भाई ज़्यादा तो नहीं हो गया है, हाफ हो गए हैं, तो उसी समय आप अपना ये प्रोसेस रोक दीजिए करने का। बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है, आपकी चिक्कियाँ भी बहुत आसानी से बन जाएगी। चलिए अब हम नोटिस करते हैं, हमारी जो फली है वो हाफ ऑफ हो चुकी है देखिए अच्छे से, और अब हम इसे चिक्कियाँ बनाने में उपयोग करेंगे।